अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। आए मोटू पतलू, जल्दी बाइक पर आओ, जॉन को पकड़ना है। अरे चिंगम सर, रुक जाओ रुक जाओ, बाइक में ले जा रहे हो या फिर पैदल? रुक जाओ, रुको। ये क्या करता है, टंकी पे नहीं बैठता है। लेकिन अब तुम जब बैठ ही गए हो तो तुम चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। इतने घने जंगल में जॉन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वो रहा जॉन। The name is Chingam, और चिंगम के चंगुल से बचना ये impossible, बोले तो ये impossible। जॉन बनेगा जॉन। 2 महीने तक मुझे मोटू पतलू की वजह से जेल में रहना पड़ा, अब देखना मोटू पतलू का मैं क्या हाल करता हूँ। बस उन दोनों की नजरें तो बहुत तेज हैं। आपको झाड़ियों में भी देख लिया, लगता है बहुत बादाम खाते हैं, बहुत बादाम खाते हैं। अरे उन्हें अब जॉन तो क्या, कोई भी नजर नहीं आएगा। मेरा एक साइंटिस्ट दोस्त यहाँ आ रहा है। अब देखो मेरे शैतानी दिमाग के तूफानी आइडिया का कमाल। डॉक्टर आया है, डॉक्टर सर्दी जुकाम बुखार ठीक करा लो, टूटे हाथ पैर हड्डी पसली जुड़वा लो, सर दर्द पेट दर्द कमर दर्द ठीक करा लो। अरे ये डॉक्टर है या कबाड़ी वाला, पहले तो हमने ऐसा डॉक्टर कभी नहीं देखा। अरे बाहर तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर ले लो डॉक्टर, हर बीमारी का इलाज करवा लो, हर ढीला पुर्जा टाइट करवा लो, बॉडी का जो नट बोल्ट है ढीला उसको भी तुम टाइट करवा लो। अरे वाह, ये खिलौना तो बहुत ही अच्छा है, लगता है कोई बच्चा यहाँ भूल गया है। किसका है ये खिलौना, किसका है? मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। अरे नहीं मोटू, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस धुएं की वजह से हमारी आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मोटू पतलू, तुम्हारा ये हाल मैंने किया है, अब मुझे मार के दिखाओ, मारो मुझे, है हिम्मत? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पतलू मारो, सामने है। लगता है बॉक्सर को मार दिया। मोटू भागो। भी दिखाई नहीं दे रहा, जॉन ने आंखों में कोई पाउडर डाल दिया है। बड़े भैया बचाओ, हेल्प। ओए तुम कहाँ हो यार, ये तो बता दो। हाँ डॉक्टर झटका, हम लोग नीचे गिर रहे हैं, आप भी ढूंढो कि हम कहाँ हैं। वाओ वाओ
कैसे हो? सब ठीक तो है ना? बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। कौन है, कौन है जो हमसे बातें कर रहा है? मोटू पतलू वो देखो, चोर बैंक लूट के भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे मोटू पतलू, तुम लोगों ने जॉन को पकड़ा क्यों नहीं? अरे सर, हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो पकड़ेंगे कैसे? जॉन चोरी करके अब भी यहाँ से भागा और तुमको दिखा नहीं? अच्छा तो तुम दोनों उनसे मिले हुए हो, पैसा ले रहे हो, मिल बांट कर बैंक लूट रहे हो। तुम उसको पकड़ोगे नहीं और वो तुम्हें हिस्सा देगा, और मुझे बोल रहे हो कि हमें कुछ दिख नहीं रहा। सिद्धम सर, हम सही कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। चिंगम सर, मोटू पतलू सही कह रहे हैं यार, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ। मोटू, ये तो जॉन से ही पूछना पड़ेगा कि इसका एंटीडोट क्या है। अभी तो मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि ये हेयरिंग एड देता हूँ, इससे तुम्हें आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देगी। अगर सामने से कोई भी चीज आ रही हो तो तुम्हें दूर से ही आवाज सुनाई देगी, तो टक्कर नहीं होगी यार। हाँ। अरे आँख ठीक करनी है, कान नहीं, कान तो हमारे वैसे ही ठीक है। चलो जॉन के पास ही चलते हैं। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। ऐ जॉन, जल्दी बताओ, मोटू पतलू की आँखों का एंटीडोट कहाँ है? इनकी आँखें कैसे ठीक होंगी? डॉक्टर ले लो डॉक्टर, सर्दी खांसी और जुकाम जो भी हो ठीक करा लो। यार ये तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है यार, मैं भी ऐसे ही मार्केटिंग करूँगा और ऐसे ही इलाज करूँगा। हाँ। अरे बड़े भैया, इसको मत उठाना, बहुत ही खतरनाक डॉक्टर है। अरे माँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यार। मैं जॉन हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, अगर हिम्मत है तो मारो। मार सकिया पापर वाले नू यार। मोटू, डॉक्टर झटका का हियरिंग एड लगा कर ट्राई करो, उसकी आवाज सुनकर उसको मारो। पतलू सबको लेकर तुम दूर जाओ। जॉन, I challenge you to fight. मुझे मारोगे, मुझे मारोगे, आ जाओ, come on, hit me, hit me. जॉन, अब जल्दी से बताओ कि एंटीडोट कहाँ मिलेगा, वरना ऐसे ही मार खाते रहोगे। ककड़ी, ककड़ी से ठीक होगा, ककड़ी को काट कर आंखों पर लगा दो, उससे ठीक हो जाएगा। नंबर वन, जल्दी से जाओ और ककड़ी लेके आओ। पर बॉस, वो तो सिर्फ एक ही है और वो भी मेरे सलाद के लिए रखा है। अरे यहाँ तुम्हारे बॉस का सलाद बन रहा है और तुम्हें अपने सलाद की पड़ी है। जाओ और जल्दी से ककड़ी काट के ले आओ और सबको दो। बॉस, मेरा सलाद, मेरी ककड़ी।
मारे देता है या मारू तुझे। मैंने अपनी सलाद के लिए रखा था, वो भी एक ही काकड़ी बची थी। अब मैं जा सकता हूँ क्या? जा सकते हो, लेकिन जेल में चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। एक मिनट, बिना देखे पीटने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्यों बतलो? तुम सही कह रहे हो, चलो अब फिर से जॉन की धुनाई शुरू करते हैं। भैया मैं और कितना मारोगे, उसे जेल भी तो लेके जाना है।